आईसीसी वर्ल्ड टी20 जिसका नाम बदल के अब आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप और आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप कर दिया गया है, ताकि लोगों को इजीली समझ में आए कि किसके टूर्नामेंट की ये बात हो रही है। अगर मैं आपसे इसके हिस्ट्री की बात करूं तो इसके 6 टूर्नामेंट्स टोटल हो चुके हैं। साल 2007 में शुरू हुआ था साउथ अफ्रीका में, जहां पे इंडिया ने एक बहुत ही हिस्टोरिक विन रजिस्टर करी थी पाकिस्तान के अगेंस्ट, जिसके बाद पाकिस्तान में बहुत सारे टीवी टूटे थे। उसके बाद टोटल 5 एडिशन इसके और हुए हैं, जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ विंस रही है वेस्ट इंडीज़ की, जिन्होंने इसको 2 बार जीता है। और इंडिया ने साल 2014 में श्रीलंका के अगेंस्ट भी फाइनल खेला था, पर अनफॉर्चुनेटली वो फाइनल हार गए थे। अगर मैं करंट सिचुएशन और टूर्नामेंट्स की बात करूं तो इसका 7वां एडिशन होना था ऑस्ट्रेलिया में साल 2020 में, पर कोविड के चलते हुए इस टूर्नामेंट को पोस्टपोन किया गया इंडिया में 2021 साल के लिए। पर इंडिया में भी सिचुएशंस को देखने के बाद इस टूर्नामेंट को अब वापस चेंज किया जा रहा है, इसका वेन्यू जो कि जा रहा है यूएई और ओमान में। समझने वाली बात यहाँ पे यह है कि इसकी होस्ट अभी भी इंडिया ही रहेगी, बीसीसीआई यानी इस टूर्नामेंट की होस्ट रहने वाली है, जो कि सारे मैचेज यूएई और ओमान में होने वाले हैं। आप सबने देखा होगा कि आईपीएल जैसा बड़ा टूर्नामेंट भी बीसीसीआई ने यूएई में होस्ट करा चुके हैं, तो उनको एक बहुत अच्छा आइडिया है कि कैसे वो इस टूर्नामेंट को भी इजीली होस्ट करा सकते हैं। तो बस सिंपल सी बात समझने की है कि बीसीसीआई होस्ट है साल 2021 के टी20 वर्ल्ड कप की। तो अब बात कर लेते हैं कि टी20 वर्ल्ड कप्स में टीम कैसे क्वालिफाई करती हैं, कहां से टीम्स आती हैं। आप सुनते होंगे कि यूएई खेल रही है, ओमान खेलने वाली है, पापुआ न्यू गिनी खेलने वाली है, तो ये टीम्स आती कैसे हैं, कैसे इनका सिलेक्शन होता है। तो अगर मैं 2021 टी20 वर्ल्ड कप की बात करूं तो यहां पे 16 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, जो कि बढ़ के 20 भी हो जाएंगी आने वाले टूर्नामेंट्स में, जैसा कि आईसीसी ने अपनी तरफ से कहा है। तो अगर मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं कि इसमें टीम्स कैसे पार्टिसिपेट करती हैं, तो जो भी टॉप 10 टीम्स होती हैं आईसीसी टी20 मेंस रैंकिंग में या फिर टी20 रैंकिंग्स में, उनको डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है इन टूर्नामेंट्स में। अब यहां पे अगर मैं 2021 की बात करूं, और जनरली भी ऐसे टूर्नामेंट्स में 2 पूल बनाए जाते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी, और दोनों पूल्स में कुछ टीम्स को बांटा जाता है। तो अगर 2021 की मैं बात करूं तो यहां पे 4000 टीम्स बांटी गई हैं। अब मैंने यहां पे आपको बताया था कि 10 टीम्स हैं, तो जो बाकी 2 टीम है यानी कि 9वें और 10वें नंबर की, जिस पे बांग्लादेश और श्रीलंका है, उनको डाला गया है क्वालिफाइंग टीम्स के साथ, जो कि पहले से ही 6 टीम्स रेडी हैं एक क्वालिफाइंग राउंड खेलने के लिए इस टूर्नामेंट के लिए। तो 8 टीम आपके पास यहाँ पहले से ही हैं, 6 टीम्स क्वालिफाई करके आई थी और 2 टीम्स रैंकिंग की वजह से उनके साथ जुड़ गई हैं, जो कि 8 और 8 टीम्स यहाँ पे हो चुकी हैं। अब यहाँ पे आपको समझना है कि सेकेंड राउंड यानी कि मेन राउंड शुरू होने से पहले जो 6 टीम्स क्वालिफाई करके आई हैं और उनके साथ 2 टीम्स जो आईसीसी ने अपने आप जोड़ी हैं, उनके बीच में 1 हफ्ते पहले से ही मैचेस शुरू हो जाएंगे, जिसमें से 2 ग्रुप बनेंगे, उनमें भी जो पहले की जो 6 टीमें और +2 जो टीम्स क्वालिफाइंग राउंड खेलने वाली हैं, उनमें से दोनों पूल में जो टॉप 2 पे आएंगे उनको निकाल के रख दिया जाएगा इन 4 और 4 टीम्स के साथ जो पहले से ही क्वालिफाई करके आई हैं। उन 6 टीम्स में से वो अलग अलग नेशंस में उनके टूर्नामेंट्स होते हैं, जहां से वो अपनी टीम्स को क्वालिफाई करके भेजते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आईसीसी कहां कहां पे ऐसे क्वालिफाइंग टूर्नामेंट्स कराते हैं। जो 6 टीम्स क्वालिफाई करके पीछे से आई हैं, इनके जो टूर्नामेंट्स हैं वो 1 या 1.5 साल पहले ही खेल लिए जाते हैं, ताकि आईसीसी को सारी चीजें क्लियर हो जाएं कि कौन कौन सी कंट्री उनके मेन वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने वाली हैं। सुपर 12 शुरू होने से पहले जो क्वालिफाइंग राउंड होना है, उसमें मैं आपको बता दूं कि 2 टीम ऐसी आई हैं जो पहली बार पार्टिसिपेट कर रही हैं टी20 वर्ल्ड कप में। एक है पापुआ न्यू गिनी, जिसने आयरलैंड जैसी बड़ी टीम को हरा के आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में अपनी एंट्री पक्की करी थी, और जो दूसरी टीम है उसका नाम है नामीबिया। अगर मैं आपसे बात करूं कि इतने बड़े टूर्नामेंट में, टी20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में, जो पर्टिकुलर टीम्स होती हैं, जैसे इंडिया की 15 लोगों की टीम अनाउंस हुई, +7 लोग इसमें एडिशनल भी रह सकते हैं, तो ये टीम कैसे अनाउंस होती है, इसके मेंटर आपको पता है कि महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है, मेंटर क्या होता है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो टीम्स कैसे सिलेक्ट होती हैं, इसका बहुत ही सिंपल सा क्राइटेरिया है। आपको पता है कि हर नेशन में अब कोई ना कोई डोमेस्टिक टी20 टूर्नामेंट होने लगा है। जैसे इंडिया के पास आईपीएल है जो काफी सालों से हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया के पास बिग बैश लीग है, PSL होती है पाकिस्तान में, बांग्लादेश प्रीमियर लीग होती है, कैरेबियन प्रीमियर लीग होती है, ऐसे हर नेशन अपने अपने टूर्नामेंट कराता है, जो कि बहुत ही इजी हो जाता है उनके लिए प्लेयर्स को छांटना कि उनके मेन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में कौन खेलने वाला है। अगर मैं इंडिया की पर्टिकुलरली बात करूं तो बहुत से प्लेयर्स ऐसा बोल चुके हैं कि इंडिया के पास टी20 के इतने सारे प्लेयर्स हैं कि इंडिया चाहे तो 3 अपनी अच्छी टीम्स भी टी20 वर्ल्ड कप में उतार सकती है और वो 3ों ही जीतने के काबिल है। इसके अलावा प्लेयर्स का डिसिप्लिन कैसा है, उनकी कंडीशन कैसी है, उनकी फिटनेस कैसी है, ये सारी
चीजों को देख के, उनका मेडिकल टेस्ट करने के बाद ही एक टीम फाइनल होती है, ताकि क्योंकि जो टीम है वो टूर्नामेंट के काफी दिन पहले फाइनल हो जाती है, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीचे जो जो टाइम बचा हुआ है टूर्नामेंट में उसमें कुछ दिक्कत आए प्लेयर्स को। तो इन सारी चीजों को देखने के बाद, उनके शेड्यूल्स को देखने के बाद ही उनको टीम में रखा जाता है। मेंटोर की अगर मैं आपसे बात करूं तो मेंटोर कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं होती है किसी टीम में, एक सिंपल सा आदमी होता है जो कि आपको सजेशंस देता है, अपने एक्सपीरियंस से आपको गाइड कर सकता है। तो वैसे ही T20 की जो टीम है इंडिया की, या फिर BCCI के ही जो भी ग्रुप्स हैं, वहां पे जैसे हेड कोच होते हैं, बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच होते हैं, तो मेंटोर जैसी वहां पे कोई पोजीशन नहीं है, पर एक इंसान को ये लोग अलग से ऐड कर सकते हैं टीम के साथ जो कि गाइड कर सकता है अपने एक्सपीरियंस से। एंड ऑब्वियसली महेंद्र सिंह धोनी को ICC T20 2021 के लिए इंडिया का मेंटोर चुना गया है। वो एक इतने एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं, उनके पास बहुत से फाइनल खेलने का एक्सपीरियंस है, फाइनल जीतने का एक्सपीरियंस है, और UAE और ओमान जैसी जगहों पे अगर T20 वर्ल्ड कप हो रहा है तो इंडिया के लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशंस हैं, क्योंकि एक तो वो सब कॉन्टिनेंट है, सेकंड इंडिया ने बहुत सारे IPL के मैचेस वहां पे प्लेयर्स ने खेल रखे हैं। तो धोनी अगर साथ में उनके रहेंगे तो एक जो मॉरल सपोर्ट होता है टीम के साथ, जैसे कि हमको पता है कि कोहली और धोनी की जब जोड़ी टीम के साथ रहती थी तो एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता था, तो वही चीज़ अब यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो इंडिया के पास एक बहुत अच्छा चांस है कि वो लोग इस साल का वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के बारे में जल्दी से आपसे बात कर लेता हूँ। इसके जो भी शेड्यूल डिसाइड होते हैं, सारी चीज़ें जो होती हैं वो मेंस T20 वर्ल्ड कप जैसी रहती हैं। थोड़ी सी जो चेंजेस आते हैं वो आती हैं टीम्स में। सारी कंट्रीज वुमेन टीम्स को अलाउ नहीं करती हैं खेलना, या फिर ICC अगर इस चीज़ को देख लेती है कि वहाँ की पर्टिकुलर टीम इतनी अच्छी नहीं है कि उनको इतने बड़े टूर्नामेंट में उतारा जाए, तो वहाँ पे भी अलाउ नहीं होता है। और जो टोटल टीम्स खेलती हैं वो थोड़ी सी कम होती हैं कंपेयरिंग टू मेंस T20 वर्ल्ड कप। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो साल 2009 इंग्लैंड में ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था, और अभी तक 7 बार ये हो चुका है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने अकेले इसको 5 बार इसका टाइटल जीता है। इंडिया ने लास्ट एडिशन 2020 में जो हुआ था वहां पे ऑस्ट्रेलिया से फाइनल खेला था, पर वहां पे एक बहुत ही सिंपल जीत ऑस्ट्रेलिया को मिली थी। तो इंडिया का जो बेस्ट इसमें पार्टिसिपेशन रहा है, बेस्ट जो भी अचीवमेंट रहा है, वो है रनर अप इन द 2020 वर्ल्ड कप। उम्मीद करूंगा कि आपको इस वीडियो से काफी ज्यादा नॉलेज मिली होगी। वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में, और कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।